दोस्तों आईपीएल साल 2020 के सीजन को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां अब केवल दो ही दिन का समय बचा है जो कि 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई के अंदर होने वाला है। और दोस्तों 500 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि इस साल वो आईपीएल देखेंगे। साथ ही साथ आईपीएल काफ़ी ज़्यादा फेमस और पॉपुलर लीग बनने वाली है। इसके अलावा बीसीसीआई की तरफ से सभी तरह की फाइनल तैयारियाँ हो चुकी है, जहाँ पर दोस्तों सभी टीमों की तरफ से बड़े बड़े अपडेट्स, बड़ी बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। क्या है ये दिन भर की बड़ी बड़ी न्यूज़, बड़ी बड़ी अपडेट्स, किन टीम को फ़ायदा पहुँचाने वाली है, किन टीम को होने वाला है नुकसान? तो फ्रेंड उससे पहले आपकी कौन सी है फेवरेट टीम, किस टीम को आप कर रहे हैं सपोर्ट, जल्दी से कर दीजिए नीचे कमेंट। इसके अलावा दिन भर की बड़ी बड़ी न्यूज़ के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पर दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके वीडियो लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आईपीएल और क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट पर वीडियोज़ बनाने के लिए। साथ ही साथ आईपीएल और क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों आईपीएल साल 2020 का सीजन जल्दी ही शुरू होने वाला है, काफ़ी कम टाइम इसके अंदर रह गया है। वहीं दोस्तों सभी टीमों की तरफ से लगातार बड़ी बड़ी अपडेट्स, बड़ी बड़ी न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। आज बात करेंगे इन्हीं सभी बड़ी न्यूज़ की। क्या है दिन भर की टॉप न्यूज़? पहली न्यूज़ की बात करें तो एबीडी विलियर्स की तरफ से निकल के आती है, जो कि इस साल विकेट कीपिंग करने वाले हैं आरसीबी की टीम से। उन्होंने बताया है कि जॉश फिलिपी बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है, जहां पर जैसे शॉट्स मैं खेलता हूं वैसे ही शॉट्स वो खेलते हैं, मैं भी विकेट कीपिंग करता हूं वो भी विकेट कीपिंग करते हैं। तो आने वाले टाइम यानी आने वाले एक दो साल के अंदर जो रोल मैं आरसीबी के लिए प्ले कर रहा हूं अभी, आने वाले सालों के अंदर वो रोल जॉश फिलिपी करने वाले हैं। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या एबीडी विलियर्स के लेवल को मैच कर पाएंगे जॉश फिलिपी आरसीबी के लिए। दूसरी न्यूज़ यहाँ निकल के आती है यूएई के वेन्यूज़ को लेकर, जहाँ दोस्तों कल जय शाह ने फोटोज़ पोस्ट की है स्टेडियम्स को लेकर, और उन्होंने बताया है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पूरी तरह से तैयार है दोस्तों आईपीएल को होस्ट करने के लिए। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा इन आईपीएल स्टेडियम्स का लुक। तीसरी बड़ी न्यूज़ यहाँ निकल के आती है वीरेंद्र सहवाग को लेकर, जहाँ उन्होंने बताया है कि इस साल का आईपीएल काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। और ये स्पेशल क्यों होने वाला है? क्योंकि दोस्तों लंबे अरसे के बाद सभी अपने फैंस को देखने को मिलेंगे महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर, जहाँ 19 सितंबर को उनका पहला मैच होने वाला है सीएसके का मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। आप नीचे जल्दी से कर दीजिए कमेंट कि एमआई जीतेगा पहला मैच या जीतेगा सीएसके की टीम। चौथी न्यूज़ यहाँ निकल के आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर, जहाँ दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ अब ख़त्म हो चुकी है और 17 तारीख को दोस्तों वो पहुँच जाएंगे, यानी आज पहुँचेंगे सभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के क्लियर। और दोस्तों टॉम बेंटन, इयान मॉर्गन और पैट कमिंस दोस्तों अगर उनका 6 दिन का क्वारंटाइन भी रहता है तो भी दोस्तों वो केकेआर के पहले मैच से अवेलेबल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है केकेआर की टीम के लिए। पांचवी बड़ी न्यूज़ यहाँ निकल के आती है राजस्थान रॉयल्स के लिए, जहाँ दोस्तों जयदेव उनादकट ने कहा है कि कोविड-19 दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और इसके प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी स्ट्रिक्ट इस साल रूल है बीसीसीआई के, पर दोस्तों कोई भी कंप्लेन हमें इसके बाद नहीं है, हमें सिर्फ क्रिकेट खेलना है और हमारा पूरा ध्यान क्रिकेट के अंदर ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी दिन भर की टॉप न्यूज़। आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी टीम जीतने वाली आईपीएल 2020 का सीज़न। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।